तो यूपी के विधायक रामलला के दर्शन के लिए लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। अयोध्या जाने के दौरान विधायक नाश्ते के लिए बाराबंकी में रुके और जलपान किया। सीएम योगी विधायकों के पहुंचने से पहले राजकीय विमान से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जानकारी आपको इस समय की दे रहे हैं। विधायक रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद जो कारवा 10 बसेस सवार होकर आगे बढ़ा है, उसमें तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, बसों की रवानगी की तस्वीरें आपके सामने। ये लंच ब्रेक, माफ कीजिए, नाश्ते के लिए ब्रेक लिया गया है। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बाराबंकी में रुक के नाश्ता किया जा रहा है और रामलला के दर्शन करने के लिए सारे विधायक और योगी कैबिनेट जो पहुंच रही है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। लंच के बाद लखनऊ के लिए विधायक रवाना होंगे और माफ कीजिए अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे विधायक। और हनुमानगढ़ी जाने की बात भी सामने आई है, लेकिन अब फिलहाल सिर्फ रामलला के दर्शन करने की बात सामने आ रही है। तो पहले हनुमानगढ़ी जाने की भी बात आ रही थी, लेकिन फिलहाल इस पर कोई अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक रामलला के दर्शन करने के लिए ये कारवां निकल चुका है लखनऊ से अयोध्या की ओर। तो अयोध्या में विधायकों के स्वागत के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। बुलडोजर से फूल बरसाने की व्यवस्था की गई है। आपको अयोध्या भी लिए चलते हैं, जहां पर विधायकों का स्वागत बुलडोजर से फूल बरसाकर किया जाएगा। भारी मात्रा में फूलों की व्यवस्था हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, फूलों से भरा हुआ बुलडोजर जो कि फूल गिराए जाएंगे इन विधायकों के ऊपर, इन मंत्रिमंडल के ऊपर, योगी मंत्रिमंडल के ऊपर, जो अब से थोड़ी देर के बाद अयोध्या पहुंच जाएंगे। स्थानीय प्रतिनिधि विधायकों के स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं और कुछ ही देरी का इंतजार, कभी भी ये बस जो है पहुंच सकती है अयोध्या। भव्य स्वागत की तैयारियां कर ली गई हैं। अयोध्या आ रहे हैं विधायक, योगी कैबिनेट और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ज्यादा जानकारी जो अभी तक मिल पाई है उसके मुताबिक नाश्ते के लिए छोटा सा ब्रेक लिया गया, लेकिन अब एक बार फिर से कारवां आगे बढ़ चुका है, अयोध्या कूच कर चुका है। किसी भी वक्त ये बस अयोध्या पहुंच सकती है। अयोध्या में विधायकों के दर्शन पूजन के लिए गेट नंबर 11 से प्रवेश कराया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश के लिए 20 राम रथ तैयार किए गए हैं। ई रिक्शे को राम रथ में तब्दील किया गया है। विधायक मंदिर परिसर में भ्रमण करेंगे। विधायकों के नाश्ते के लिए कर्मचारियों की तैनाती की गई है। 4 घंटे से विधायक अयोध्या में ज़्यादा समय बिताएं, ये चाहते हैं वहाँ के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, लेकिन फिलहाल 4 घंटे की जानकारी मिल पा रही है। करीब 4 घंटे ये विधायक अयोध्या में रहने वाले हैं। विधायकों को भगवान का भोग लगा हुआ, सनातन संस्कृति के अनुरूप बना हुआ पूरी और सब्जी का भोजन मिलेगा, खीर भी परोसी जाएगी। तो जो तैयारियां अयोध्या में की गई हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अयोध्या में विधायकों के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कमिश्नर और आईजी व्यवस्था को संभाले हुए हैं, लगातार व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी सदस्यों को आज रामलला के दर्शन कराए जा रहे हैं। सभी इंतजाम है और लगातार हम लोग क्राउड कंट्रोल को लेकर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं और आगे भी ये व्यवस्था हम लोग अपनी तरफ से कराते रहेंगे, लगातार हम लोग सतर्क। थैंक यू। आज कैबिनेट नहीं, पूरी विधानसभा और विधान परिषद के जितने सदस्य हैं, माननीय विधायकगण सब लोग आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। तो आज सब लोग दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद फिर उनका डिपार्चर होगा। तो हम लोगों ने यहाँ व्यवस्था प्रॉपर बनाई है, सब लोग बसेस के माध्यम से आ रहे हैं और जो 4 व्हीलर्स हैं उनको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे आज, और बसेस के माध्यम से सबको अंदर ले जाएंगे और उनके दर्शन कराएंगे। सर, बाकी जितने विधायक आ रहे हैं, अंदर भोजन की व्यवस्था की गई? भोजन की व्यवस्था की गई है। अच्छा सर, क्या क्या व्यवस्था है राम जन्मभूमि के अलावा और कहाँ कहाँ जाएंगे? और कहीं नहीं जाना है, आज का सिर्फ कार्यक्रम रामलला के दर्शन का है। पहले हनुमानगढ़ी की भी जाने की बात थी, परंतु अभी फिलहाल वो तय नहीं है प्रोग्राम, अभी सिर्फ रामलला के दर्शन करेंगे।
सर लगातार भीड़ बढ़ रही है यहाँ पर, अगर आप देखें तो क्या अब तक की अगर देखा जाए तो कितनी संख्या हो गई होगी? देखिए कल लगभग 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और आज संख्या अभी कल से कुछ कम है और मैनेजेबल है। कल बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी परंतु पुलिस ने और प्रशासन ने लग के उसको अच्छे से मैनेज किया, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये लगातार चूंकि भीड़ रहेगी और रामलला के दर्शन के लिए बहुत लोग उत्सुक हैं तो ये एक जो भीड़ नियंत्रण की जो एक स्ट्रैटेजी है वो लगातार हमको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी और ये मैनेजमेंट लगातार चलेगा। दृश्य है और देख रहे हैं कि सभी माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण, सभी लोग हम लोगों के साथ जा रहे हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, और सभी लोग के मन में तीव्र आकांक्षा है कि प्रभु रामलला के दर्शन हम लोग समवेत करें। देखिए भगवान श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, रामलला विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मुझे 22 जनवरी को भी रहने का सौभाग्य मिला था और आज भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलने वाला है और हम सभी अपने सम्मानित दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से बाल्यकाल से ही जुड़ा हूँ। जिस समय देश में आज़ादी के बाद 1984 में श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन प्रारंभ हुआ तब से मैं रहा और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में मुझे 3 बार जेल में भी रहने का अवसर मिला तो मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण है, मेरे लिए समर्पण का क्षण है, मेरे लिए श्रद्धा का क्षण है, आज आपकी मेरे लिए व्यक्तिगत भी एक भावपूर्ण क्षण है जिस समय मैं स्वयं और आज उस प्रभु की कृपा से उत्तर प्रदेश के सारे विधायकों को मैं अयोध्या के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत गौरव का। राम तो हिंदुस्तान नहीं दुनिया के कण कण में हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे आदर्श हैं, भगवान के रूप में हम पूजते हैं। आज मुझे सौभाग्य है कि हम सभी लोगों के साथ दर्शन और आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम लला के नव दिव्य भव्य राम मंदिर में मत्था टेकने जा रहे हैं। प्रदेश और देश दुनिया का कल्याण हो इसी भावना के साथ, जो भारत की मूल भावना में है वासुदेव कुटुंबकम, तो निश्चित रूप से ये रामराज की जो परिकल्पना हम लोग करते थे सुनते थे ये सब कुछ साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये विधायक है सर, आज दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं रामलला के, बिल्कुल उसी अंदाज में आप। जय जय श्री राम। लेकिन हमने देखा कि बसपा के भी विधायक आए हुए हैं, आरएलडी के विधायक भी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं है। देखिए आपने देखा होगा कि जब बीच में सदन के भीतर भगवान राम के नाम को लेकर एक धन्यवाद प्रस्ताव आया था तब भी 14 लोगों ने हाथ उठाया था उस प्रस्ताव के विरोध में, और जब ये बात आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंची तो समाजवादी पार्टी के हमारे भगवाधारी विधायक हैं माननीय ओमवेश जी, उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम तो भगवान राम के साथ हैं। तो आज भी जो लोग नहीं जाएंगे वो अपने आप को बेनकाब करेंगे और मुझे लगता है कि उनके नाम जरूर जनता के सामने आने चाहिए ताकि जिन लोगों ने वोट दिया वो जाने तो कि कौन भगवान राम का आज भी खिलाफत कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह से पूरे विश्व ने देखा, देश ने देखा है, और उसको आज हम साक्षात वहां पर पहुंचकर हम सभी लोग जितने भी हमारे मंत्री परिषद के और विधायक हैं सभी लोग जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी विधायकगण सभी पहुंचेंगे वहां पर और प्रभु श्री राम के वहां पर भव्य राम मंदिर का दर्शन करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी ही एक कहना चाहिए एक ऐसा अवसर है जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। सिंह मौजूद है जो भी राम जी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंची। मैडम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे दूसरी बार जाने का मौका मिल रहा है। आप सबके आशीर्वाद से प्राण प्रतिष्ठान के भी दिन जाने का मौका मिला था और रामलला ने मुझे फिर से बुलाया है तो बहुत बड़ा सौभाग्य महसूस हो रहा है। इस दौरान बीजेपी और सभी दलों के मोस्टली सदस्य जा रहे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी एक बार फिर मना कर रही है, ये बहुत ही गलत है क्योंकि ये तो धर्म और आस्था की बात है और उसमें इस कार्यक्रम में खास तौर से उनको डेफिनेटली आना चाहिए था, शरीक होना चाहिए था। वो खुद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, विभाजन की, पर ये तो सबके लिए है, ये तो कार्यक्रम बहुत ही अच्छी सोच है हमारे अध्यक्ष जी की जिन्होंने सबको आमंत्रित किया, सादर आमंत्रित किया है, तो निश्चित उनको आना चाहिए था इस कार्यक्रम, इसको तो नहीं बॉयकॉट करना चाहिए था। और हम सभी लोगों का सौभाग्य है, सभी साथी विधायकों का जो जा रहे हैं। सर लेकिन कुछ विधायक जा रहे हैं उनके बारे में क्या? अब ये उनसे पूछिए या उनके प्रवक्ता बताएंगे। आप प्राण प्रतिष्ठा में भी गए थे, आज पूरे दल के साथ भी जा रहे हैं, कैसा अनुभव? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान श्री राम की असीम कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है कि बार बार दर्शन हो रहे हैं, अहो भाग्य।
बिल्कुल देखिए प्रभु रामलला का दर्शन करने उनसे उनकी आस्था सब लोगों के साथ रही है। माननीय अध्यक्ष जी विधानसभा अध्यक्ष जी का आभार है कि वो सारे विधायकों को लेकर के जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है हमेशा बना रहे और अच्छा लग रहा है। राष्ट्रीय लोक दल से विधायक है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी दिया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। आज आप लोग रामलला के दर्शन करेंगे परिवार भी साथ में परिवार भी साथ में है। आप भी जा रही हैं दर्शन के लिए? जी भैया। कहाँ से आए हैं? आगरा से। आगरा से आए हैं और ये आप देख सकते हैं सपरिवार ये वो विधायक हैं जो सपरिवार दर्शन के लिए रामलला के पहुंचेंगे। अयोध्या राष्ट्रीय लोक दल के विधायक हैं। हालांकि रामलला गठबंधन की भी चर्चा है लोक दल से भारतीय जनता पार्टी ये की। अलग विषय है इसमें कोई राजनीति नहीं है। आज हम भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उसे कहीं राजनीति से न जोड़ा जाए और श्रद्धेय श्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा गया है। वो एक किसान नेता थे बड़े किसान विचारक थे इसलिए उन्हें भी राजनीति से इससे न जोड़ा जाए। बिल्कुल सपा के लोग राजनीति कर रहे हैं तो हम राजनीति करने वाले नहीं है। हम धर्म हम हमारी पार्टी धर्म निरपेक्ष पार्टी है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और आज आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। बिल्कुल तो ये उमा शंकर सिंह है बसपा से विधायक पूरे सभी सदस्य हैं विधान परिषद सदस्य हैं सभी विधानसभा के सदस्य हैं और पक्ष विपक्ष सब है। बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी का प्रयास अयोध्या में जो हो रहा है वो तो सब देख रहे हैं। अब सारे कैबिनेट मंत्री जो आ रहे हैं उनको भी वो भी देखेंगे अयोध्या का विकास भी और साथ साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है विराजमान हो गए हैं गर्भगृह में उनका भी दर्शन कर लेंगे। तो दर्शन करने के लिए जिस उद्देश्य से आ रहे हैं उनका केवल दर्शन नहीं है बल्कि ये अयोध्या मार्ग पर ये तस्वीरें हैं किस तरीके से पुष्प हाथ में लिए फूल हाथ में लिए हुए हैं बुलडोजर यानी कि सीधा संदेश बुलडोजर बाबा का योगी सरकार का जो अंदाज है ये आप देख सकते हैं पुष्प वर्षा कर रहे हैं आप देख सकते हैं बुलडोजर पे ये लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर बुलडोजर है और ये सड़क के दोनों तरफ ये आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे ये दूसरी तरफ भी बुलडोजर यहाँ पर लगा हुआ है। जय श्री राम के जयकारे हैं और सीधा संदेश है कि जिस जो अंदाज है योगी सरकार के कामकाज का वो अंदाज ये जनता किस तरीके से पुष्प वर्षा करने के लिए बुलडोजर पर मौजूद है ये बुलडोजर है राम नाम की जयकारा हो रही है ये पूरी तरीके से माहौल राममय नजर। और आइए सीधे रुक करते हैं हम अयोध्या की तरफ जहां से निमिष मेरे सहयोगी बने हुए हैं। निमिष थोड़ा सा इंतजार रह गया है बस क्योंकि बुलडोजर तो तैयार हो चुके हैं फूलों से भरे हुए हैं यहां पर तमाम इन विधायकों के स्वागत के लिए। जी बिल्कुल देखिए जो लोग आ रहे हैं जो भी विधायक हैं पूरा मंत्रिमंडल है उनके जगह जगह स्वागत होगा और स्वागत का भी अनोखा तरीका जहां लोग बुलडोजर को तमाम और तरीके से देखते थे वहीं स्वागत में भी बुलडोजर है और उसी से पुष्प वर्षा की जाएगी। फिलहाल ये गेट नंबर 11 है जहां से सारे VIP और VVIP अंदर प्रवेश करेंगे और यही एक मार्ग अयोध्या में रखा गया ताकि राम भक्तों को कम से कम असुविधा हो क्योंकि जन्मभूमि पथ और हनुमानगढ़ी पर अनवरत दर्शन चल रहा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में है तो ऐसे में मंत्रिमंडल के अयोध्या दौरे से कहीं राम भक्तों को कोई समस्या न हो इसका विशेष ध्यान दे रखा गया है। साथ ही यहाँ सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का जो विमान है वो महर्षि वाल्मीकि हेलीपैड पर उतरेगा एयरपोर्ट पर और जहां से वो सीधे राम जन्मभूमि परिसर में आएंगे। इसके साथ ही विधायकों का जो दल अयोध्या पहुंच रहा है योगी मंत्रिमंडल जो अयोध्या पहुंच रहा है वो पूरा मंत्रिमंडल भी अब से कुछ ही देर में अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर चुका है जहां जगह जगह स्वागत होगा। सबसे पहले वो राम जन्मभूमि परिसर में आएंगे जहां पर रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और इसके साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में योगी मंत्रिमंडल का कार्यक्रम होगा। ये खुद मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जैसे जैसे समय पूरा हो रहा खुद IG और अधिकारियों ने यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो संभाल ली हैं और खुद पीयूष मोड़िया जी यहाँ मौजूद हैं और इन्हीं के द्वारा अब अंदर सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं सुरक्षा एजेंसियां के लोग पहुंच चुके हैं और जाहिर सी बात है कि अब धीरे धीरे समय हो चुका है किसी भी समय मुख्यमंत्री का विमान अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेगा और इसके साथ ही विधायकों का जो दल है वो भी अयोध्या सीमा में प्रवेश कर चुका है जहां स्वागत शुरू हो चुका है।
तो उनके आगमन को लेकर, उनके दर्शन पूजन को लेकर जो राम जन्मभूमि में तैयारियां की गई थी, उस तैयारियां के अनुरूप कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आज चुकी बड़ा कार्यक्रम है, लगभग 4 घंटे इन विधायकों के और योगी मंत्रिमंडल के जो यहां सारे लोग पहुंच रहे हैं, उनको हनुमानगढ़ी भी दर्शन कराने ले जाना था, लेकिन अब उस दर्शन में कुछ बदलाव किए गए हैं, उसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री की मंशा है कि राम भक्तों को जो श्रद्धालु आए हैं दूर दराज से, उनको कम से कम असुविधा हो, उनको ना के बराबर असुविधा का सामना करना पड़े, इसको लेकर के चूंकि तमाम जो हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि का जो मुख्य मार्ग है, जिसे जन्मभूमि पथ कहते हैं, वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या और लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में मौजूद है, इसलिए शायद सीधे एयरपोर्ट और राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ते हुए और चूड़ामणि चौराहे से मोहरा होते हुए और सीधे आपको जन्मभूमि परिसर में इस जगह लाया जाएगा। और ये मंशा इसलिए रखी गई है क्योंकि हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन के कार्यक्रम के लेकर के वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ी पर चूंकि पीछे का द्वार वहां का बन रहा है और लोगों को असुविधा जरूर होगी, दर्शन कुछ ना कुछ रोकना पड़ेगा सुरक्षा को लेकर के, तो इस लिहाज से ये तय किया गया है कि अब हनुमानगढ़ी के कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है। लेकिन अभी ये प्रशासनिक दावे किए जा रहे हैं, जैसा भी हमारे मंडलायुक्त से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी जन्मभूमि के अलावा कार्यक्रम नहीं है, हनुमानगढ़ी के कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव जरूर है, लेकिन ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री, चूंकि जैसा वो उनका चरपरचित अंदाज है, वो अयोध्या आते हैं तो हनुमानगढ़ी जरूर जाते हैं, तो अगर मुख्यमंत्री जाना चाहेंगे तो फिर क्रॉसिंग टू यानी कि जो पुराना दर्शन मार्ग है जहां से रामलला के दर्शन को लोग जाते थे, उस मार्ग से मुख्यमंत्री की फ्लीट राम खड़े जो राम भक्त हैं, वो इस वक्त जो अयोध्या पहुंचने वाले विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका अयोध्या की सीमा पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो यहां पर तमाम समर्थक हैं, ये यहां पर मौजूद हैं। आप लोग किस खुशी में खड़े हैं? अयोध्या जाने में विधायक जी जा रहे हैं, मंत्री जी जा रहे हैं। हम लोग सभी विधायकों को स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े हैं जो हमारे रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों का हाथ। हाँ भैया, इसमें राम सारे राम भक्त अलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राम भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। जय। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो तमाम विधायक हैं, उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है जोरदार, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो ये स्वागत का सिलसिला है वो चल रहा है, और इस वक्त जितने भी चाहे वो भाजपा के विधायक हो और कांग्रेस के विधायक हो, उन सभी का जो अयोध्या के राम भक्त हैं, वो इस वक्त जोरदार पुष्प वर्षा कर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन उपेन के साथ राज। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर जो कि फूलों से भरे हुए हैं, ये अब तैयार हैं स्वागत के लिए, उन राम भक्तों के स्वागत के लिए जो कि लगभग आप कहिए पहुंच चुके हैं अयोध्या और अब किसी भी वक्त दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। बीजेपी, आरएलडी, बीएसपी के विधायक पहुंच चुके हैं अयोध्या नगरी, राम नगरी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं और अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने विधायकों की पूरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। पीएम मोदी का वाराणसी का दौरा, 22 फरवरी को वाराणसी जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संत रविदास मंदिर में मत्था टेकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वाराणसी वासियों को कई योजनाओं की सौगात पीएम मोदी की तरफ से मिल सकते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वाराणसी, संत रविदास मंदिर में मत्था टेकेंगे और काशीवा